नमस्कार दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, अगर ईश्वर पे विश्वास है तो हर जंग को जीता जा सकता है। एक छोटा बच्चा था, उसको ईश्वर पर अटूट विश्वास था। 1 रुपए का सिक्का लेकर जाता है दुकान पे, कहता है भैया भगवान कहाँ मिलेंगे। वो आदमी उनको भगा देता है। फिर वह दूसरे दुकान पे जाता है, फिर वो आदमी भी उस लड़के को भगा देता है। ऐसे ही वह कई दुकानों पे जाता है और हर व्यक्ति उसे भगा देता है, कहता है ईश्वर 1 रुपए में मिलेंगे। तो फाइनली वह एक और दुकान पे जाता है, उस दुकान पे एक वृद्ध आदमी मिलता है, बूढ़ा आदमी। तो पूछता है बेटा तुम्हें ईश्वर क्यों चाहिए। तो लड़का कहता है दादाजी मुझे ईश्वर मेरी माँ के लिए चाहिए। तो बूढ़ा आदमी कहता है क्यों। तो लड़का कहता है डॉक्टर साहब ने कहा है कि तुम्हारी माँ की जान केवल ईश्वर बचा सकते हैं। तो वह बूढ़ा आदमी सुनकर बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाता है, कहता है बात क्या है बेटा तुम मुझे बताओ। तो लड़का कहता है मेरी माँ बहुत बीमार है, डॉक्टर ने बोला है उनका ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन में बहुत पैसे लगेंगे और बहुत पैसे की व्यवस्था केवल भगवान कर सकता है, इसलिए मैं भगवान को ढूंढने निकल गया। तो बूढ़ा भी कहता है ये बेटा 1 रुपए मुझे दे दो, ईश्वर तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। तो लड़का वापस अपने अस्पताल पहुंचता है जहां पे उसकी माँ भर्ती थी। उसकी माँ का ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर एक बड़ा सा बिल देता है। बिल को देखने के बाद उसकी माँ बहुत आश्चर्यचकित होती है, लेकिन डॉक्टर साहब आके कहते हैं कि आपका जो बिल है एक सज्जन आदमी ने पे कर दिया है और इसके साथ ही एक चिट्ठी भी दिया है। चिट्ठी खोलती है वो महिला, देखती है, आश्चर्यचकित होती है। उस पे लिखा था कि धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है, धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है, यह धन्यवाद आप अपने बेटे को कहिए जिसने आपको बचाने के लिए 1 रुपया लेकर ढूंढने लगा ईश्वर को। तो ये छोटी सी कहानी हमें ये सीखने को देती है कि हमारी लाइफ में भी अगर हमें ऊपर वाले पे भरोसा है तो ऊपर वाला किसी न किसी रूप में आके हमारी मदद करता है। जरूरी नहीं आप 1-2 लाख रुपए डोनेट करें, दान करें, तभी आपको ईश्वर मिलेंगे। ईश्वर आपके अंदर है, आपका विश्वास ही आपके ईश्वर है। अगर आपको ईश्वर पे विश्वास है, अटूट प्रेम है, तो ईश्वर आपको हर जगह मिलेंगे। अटूट विश्वास और प्रेम के साथ ही ईश्वर आपके हर कार्य को सिद्ध करते हैं, हर वक्त आपकी मदद करते हैं किसी न किसी रूप में आकर। तो ये छोटी सी कहानी आशा है आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।